वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम मल्टी मशीनरीज के ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन में अभी तक हमने सेपरेट मेथड्स पढ़ी, एक मशीनरी ली उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल किया था, पर इस न्यूमेरिकल में मल्टी ऑफ कंपनीज हैं जो हमारी, जिन पर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, बैलेंस निकालना है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 जनवरी 2021 को एक मशीनरी आपने परचेस की, हिंदुस्तान लिमिटेड ने एक मशीनरी परचेस की जिसकी कॉस्ट थी आपकी 12 लाख। ये 12 लाख की जो कॉस्ट थी उसी के अंदर एक मशीन का पार्ट था जिसकी कॉस्ट थी 50,000। चलिए हम रीड करते हैं जिससे आपको ये चीज क्लियर होगी। तो हिंदुस्तान लिमिटेड परचेस मशीनरी 12 लाख एंड ऑन 30 जून 2022 वन मोर मशीनरी परचेस वर्थ इज 2 लाख। मतलब उन्होंने फर्स्ट मशीन परचेस की, वो उसकी कॉस्ट कितनी थी, जो 21 को परचेस की उसकी 12 लाख थी, और 22 को की उसकी कॉस्ट कितनी थी, 2 लाख। ऑन 31 मार्च 2023 वन ऑफ द ओरिजिनल मशीन विच हैड कॉस्ट इज 50,000। मतलब जो मैं 50,000 के फर्स्ट मशीन में आपसे कह रही हूँ, वॉज फाउंड द हैव बीन चेंज। तो जो 50,000 की मशीन थी, जो 12,000 में थी, उसे हमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट हुई, और उस मशीनरी को हमने क्या किया, 7,000 में उसकी स्क्रैप वैल्यू हुई और उसको हमने सेल कर दिया, और उसको हमने रिप्लेस किया। किससे किया, 80,000 की मशीन से हमने उसको रिप्लेस किया। मतलब जो हमारी 12 लाख की मशीन के साथ 50,000 की मशीन थी, उसको हमने क्या किया, स्क्रैप वैल्यू हमारी आफ्टर 3 इयर्स उसकी 7,000 आई, उसे हमने सेल आउट कर दिया, और उसके बिहाफ में, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट तो थी, तो हमने एक न्यू परचेस मशीन की जिसकी कॉस्ट थी 80,000। तो हमने 80,000 में वो मशीन को परचेस किया। कब किया ये हम थोड़ा सा ध्यान रखें, लिख लें कहीं वर्किंग नोट में, तो ये हमें बहुत आसानी होती है। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइड रेट ऑफ 15%। हमने 15% पर हमने चार्ज करना है हमें क्या, डेप्रिसिएशन। हमेशा ये न्यूमेरिकल में आपको दिया होगा कि आपको कितने परसेंटेज चार्ज करना है डेप्रिसिएशन। ओके, किस मेथड से करना है, तो हमें राइट डाउन वैल्यू मेथड से करना है, मतलब बैलेंसिंग मेथड से, और अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। ठीक है, एवरी ईयर कब हो रहा है हमारा फिनिश, 31 दिसंबर को हो रहा है। शो मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स, हमें 3 इयर्स के लिए मशीनरी अकाउंट को बनाना है। ओके, नाउ इज क्लियर, नाउ वी स्टार्ट। 1 जनवरी को आपने मशीनरी परचेस की जिसकी कॉस्ट है 12 लाख। अब जब इस पूरे फुल ईयर में आपने देखा कि इस पर डेप्रिसिएशन हम कितना चार्ज कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज कर रहे हैं वो कर रहे हैं 15%। 15% हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो सबसे पहले तो हम सेपरेट कर ले वो मशीन जो हमें सोल्ड करनी है। ठीक है, क्योंकि 23 पर हमें सोल्ड करनी है 50,000 की, तो हमने 50,000 की मशीन को सेपरेट कर लिया। तो 50,000 की जो मशीनरी थी उसको हमने पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 15% हमने उसके लिए डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, और बाकी का जो अमाउंट था, मतलब 11,50,000, उस पर 15% हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो हमारे पास ये आया। तो ये डेप्रिसिएशन हम जब सेपरेट रखेंगे हर एक मशीनरी का, तो क्या होगा कि हमें इजी रहेगा कैलकुलेशन करने के लिए। देन जो हमारा डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया है उसको हमने माइनस कर दिया। किसमें से माइनस किया, पहले हमने 11,50,000 इज वन मशीनरी, सेकेंड इज द 50,000। ओके, तो ये दो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया, और जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो जो ओरिजिनल मशीन की कॉस्ट है उसमें से हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन को, और उस डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट होता है, मींस वो बैलेंस है हमारा उस मशीनरी का। तो 1 साल बाद जब हमने डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस कर दिया, तो हमारा अमाउंट जो बच रहा है वो बैलेंस वैल्यू है उस मशीनरी की। सेकेंड में 50,000 में से हमने 7,500 माइनस किया, तो हमारे पास 42,500 अमाउंट आ गया। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन का था जो हमने 15% के अकॉर्डिंग लगाया, और ये
अमाउंट हमारे बैलेंस के हैं जो हमने इस बैलेंस अमाउंट में से माइनस करकर निकाला। ये हमेशा हमारा डेबिट का और क्रेडिट का टोटल इक्वल है। ये जो हमारा बैलेंस है ये बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। हमने टू बैलेंस ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करने के बाद हमने सेम ईयर में आप देखिए कब आपने फिर एक मशीनरी को परचेस किया है, कब किया है 22 में जून में, 30 जून को एक मशीनरी को परचेस किया जिसकी कॉस्ट कितनी थी 2 लाख। ठीक है, अभी तो आपके पास ये बैलेंस अमाउंट था, अब आपके पास एक न्यू मशीन आ गई, मतलब अब थर्ड मशीन आपके पास एंटर हो गई है, तो आपने क्या किया डेप्रिसिएशन चार्ज किया। डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो जो बैलेंस अमाउंट था हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इस अमाउंट में हमने 15% निकाला तो वो हमारे पास ये अमाउंट आ गया 15%। सेकेंड मशीन पर फिर 50% कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये अमाउंट आ गया। ये जो 2 लाख है, 2 लाख का जब हम 50% कैलकुलेट करेंगे वो हम किसके लिए करेंगे, फॉर 6 मंथ, क्योंकि हमने 30 जून को परचेस किया है। तो हम अगर 30 जून से हम दिसंबर तक कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 6 मंथ बनता है। तो 2 लाख पर 15% तो हम कैलकुलेट करेंगे ही, पर उसके साथ हम क्या करेंगे कि सिर्फ 6 मंथ के लिए करना है, तो 6/12% लेंगे और ये हमारा अमाउंट आज 15,000 हमारा अमाउंट आ जाएगा डेप्रिसिएशन का। तो 2 लाख में से 15,000 को हम माइनस कर देंगे तो बैलेंसिंग अमाउंट हमारा मशीनरी का आ गया। नाउ इज क्लियर कि हमने जो बैलेंस बचा था ये हम बैलेंसिंग मेथड से कर रहे हैं, इसलिए बैलेंस पर हमने 15% कैलकुलेट किया डेप्रिसिएशन को दोनों मशीन पर। थर्ड मशीन पर 2 लाख की थी, 30 जून को परचेस किया था, इसलिए हमने क्या किया 6/12 भी किया तो हमारे पास 15,000 आ गया। फिर जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है उसे हम बैलेंस में से माइनस करकर बाय बैलेंस लिखते हैं, तो देन हमारा डेबिट एंड क्रेडिट का अमाउंट सेम हो जाएगा। ये बैलेंस जो आपका 22 को बैलेंस है 31 दिसंबर को वो आपने ट्रांसफर किया, 23 में कितना बैलेंस है ये आपके पास बैलेंस है, आपने इसी में आपने अब क्या किया है फिर से एक मशीनरी परचेस की। अब ये मशीनरी आपने कब परचेस की, ये आपने मशीनरी परचेस की मार्च में, 31 मार्च को आपने ये मशीनरी 18,000 की परचेस की और मार्च में ही वो हमने सेल आउट किया है क्योंकि हमने उसी के बदले में हमने इसको रिप्लेस किया है। तो अब यहाँ पे हमें देख समझने वाली बात है, उसको हम अच्छे तरीके से समझें कि 50,000 की जो मशीनरी थी जिसपे हमने फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगा दिया था, फिर हमने उसमें सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन लगा दिया, अब जो हमारा अमाउंट आया 36,125, इस पर हम कैलकुलेशन करेंगे, पर कितने ड्यूरेशन का करेंगे, इसके लिए हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो 15% तो हमें कैलकुलेशन करना ही है, पर हमें कितने मंथ के लिए करना है, ओनली 3 मंथ्स, क्यों, क्योंकि हम मार्च में से सेल कर रहे हैं, तो हमने 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट किया तो हमारे पास 1354 अमाउंट आ गया। इस अमाउंट को हम क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन लिखेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि हमने सोल्ड कितने में किया है, इस मशीनरी को हमने सोल्ड किया है स्क्रैप वैल्यू 7,000, तो 7,000 हमने लिखा। 7,000 लिखने के बाद इन दोनों अमाउंट को बैलेंसिंग अमाउंट में से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमें पता चला कि P&L मतलब हमारा लॉस हुआ है कितना 27,700 का इस मशीनरी के ऊपर, क्यों, क्योंकि वैल्यू तो उस दिन तक उसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास 27,700, पर हमने स्क्रैप वैल्यू हमारी कितनी सेल हुई 7,000 की, तो ये हमारे लिए लॉस आ गया। क्लियर, ये लॉस आ गया हमारे पास। अब जो बाकी की मशीन है हमारे पास, ये इसका कैलकुलेशन हमारा पूरा हो गया है, अब फर्स्ट मशीन, थर्ड मशीन एंड ये फोर्थ मशीन, इस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट और सेकंड पर हमने मशीनरी पर कैलकुलेट कर लिया और थर्ड मशीन जो थी वो हमारी कब आई है, मार्च में आई है, तो फिर हमें उसको सिर्फ 9 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है। 9 मंथ्स के लिए हमने कैलकुलेट करके उसका डेप्रिसिएशन निकाल लिया। डेप्रिसिएशन निकालने के बाद
उस डेप्रिसिएशन को ओरिजिनल कॉस्ट जो यहाँ बैलेंस दिया उसमें से माइनस करके हमने 31 दिसंबर को बाकी मशीन का बैलेंस कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से जब हमारे पास मल्टी ऑफ मशीनरी होम हमारे पास अकाउंट्स में, तो हम उनको कैलकुलेट करें, क्योंकि हमें जो डेप्रिसिएशन है हर एक मशीन पर इंडिविजुअल लगाना चाहिए और उस डेप्रिसिएशन को उस मशीनरी की कॉस्ट से इंडिविजुअल माइनस करके एक्चुअल कॉस्ट निकालना चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर होगा, कहीं अगर डाउट होता है तो एक या दो बार आपको प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये क्लियर। थैंक यू वेरी मच।